कहाँ जा रहा है? मैं बोल रहा हूँ, मेरे को रोकने की कोशिश मत कर। अरे मैं रोक ही नहीं रहा। मेरे को मत रोक अबू। अबू मेरा हाथ मत खींच। मेरा खींच मत खींच मेरा हाथ। कौन खींच रहा है? ऐसे मत कर। मैं सच में चले आऊंगा। कुछ भी, मैं सच में चले आऊंगा। है? मैं सच में चले आऊंगा। है? चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डिंपल मलन व्लॉग्स। और ना आज सुबह सुबह मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि क्यों ना निश्चय को 24 आवर्स इग्नोर किया जाए। मैंने अभिषेक को इग्नोर किया 24 आवर्स, मलन साहब को कर रहा, तो आप लोगों के ना बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, अब निश्चय को 24 आवर्स इग्नोर करो। तो पहले ना सबसे पहले मलन साहब को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगी तो पहले इन दोनों को, मलन साहब को और अभिषेक को, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा ताकि ये मेरा साथ दें। और मलन साहब, एक बात है, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया कि क्यों ना निश्चय को 24 आवर्स इग्नोर किया जाए। तो आप क्या मेरे साथ इन हो इस अभियान में? नहीं, मैं तो साथ ही हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप स्पॉइलर दे देते हो ना फिर कि मम्मी नहीं, नहीं, नहीं है ऐसे पक्की बात है। मतलब उसे इग्नोर करना है? हाँ, तूने करना है ना, मैंने तो नहीं ना। नहीं नहीं, मैंने करना है, पर थोड़ा सा आपको सपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना। 100%। हाँ, मतलब स्पॉइलर मत देना कि मम्मी तेरे को इग्नोर कर रही है। ठीक है। मलन साहब यहाँ पे पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं, ये देखो सिंगापुर की, ये सिंगापुर का है, याद आ रही है? दोबारा चलें? मजा आ रहा है देख के कि हाँ भाई मेमोरीज याद कर रहे हैं, सिंगापुर, कभी टर्की, कभी अजरबैजान। तो दोबारा बना लो ना एक और, बना लेते हैं, काम धंधे तो निपटा ले पहले। ओह, एक तो काम धंधे नहीं को तो है सारे। हाँ जी मम्मी, जिंदगी में बहुत कम होते हैं। मतलब ठीक है, मतलब कितनी चीजें हैं जिस पे गम हो सकता है, पर सबसे बड़ा गम पता क्या होता है? तेरा डिब्बा जब खाली हो जाता है, प्रोटीन खत्म हो जाता है। यार कुछ नहीं बचा यार, एक बूंद नहीं बची तो नया आ जाएगा। ब्रो बॉडी किससे बने बॉडी भाई, तब तक इसका सब्स्टिट्यूट लो। सब्स्टिट्यूट नहीं, आप अपनी ये पहले जो है पैंट्री है ना, इसको खाली करो। कभी कहते हो इसको भरो, अरे खाली भरो इसको, बट यहाँ मैक्स प्रोटीन दिखने चाहिए, प्रोटीन चिप्स। ये इधर इस साइड पे देखो, नट्स ही नट्स लगाए हैं, कितने नट्स होने चाहिए, मखाने होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, वो देखो नीचे मैक्स प्रोटीन होने चाहिए, मैक्स चॉकलेट्स होने चाहिए इसके अंदर। पता क्या होना चाहिए? दही होना चाहिए, पनीर होना चाहिए, पीनट बटर होना चाहिए। देखो दही भी है और पनीर तो मेरे पास ही है, हर चीज होती है। बस रात को आपको सैलेड बना देना, पनीर का सैलेड, मशरूम्स और किनुआ भी बना सकते हो। मम्मी रात को किनुआ मैंने बनाया था और आपने खाया नहीं था, आज रात को बना लो, आज खा रहे हैं रात को। ठीक है, किनुआ, मशरूम और पनीर। ओके, वाओ, डन डन डन, व्हाट अ हेल्दी फूड। अभी तो मैंने तेरे लिए ये देख क्या बनाया, ये पनीर के रोल, गरम है अभी, स्पेशल रेसिपी है, स्पेशल, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन। ओह, गरम है, प्लेट में डाल ले भाई, चटनी ले ले साथ। चटनी का वो देख, पड़ी चटनी, बहुत स्वाद है भाई, ये तो गजब की चीज है भाई। फिर गजब चीज बनाई है ना मैंने तेरे लिए, प्लेट में डाल लो और थोड़ा आराम से खा लो, मजा आ गया। मजा आया, शुक्र है, तेरे को किसी चीज पे मजा तो आया। अच्छा एक चीज मैं तेरे को और बोलनी थी, आज तू मेरा साथ देगा, मैं निश्चय को इग्नोरिंग 24 आवर्स नहीं दूंगा। मुझे पता है तू भाई है उसका, तू निश्चय उसकी साइड लेगा। इग्नोरिंग पापा, इग्नोरिंग अबू, इग्नोरिंग ये। जिस दिन आपको इग्नोर कर दिया ना सबने, फिर तुम तीनों मिलके मेरे को इग्नोर कर लेना, आज मेरे को बना ले दो, फिर से आंसू टपकेंगे। हेलो मम्मी, हेलो, बड़ा स्वाद है। अभी जो मैं तेरे से बोल रही थी उसका तू साथ देगा कि नहीं? पापा को तो मैंने कॉन्फिडेंस में ले लिया, सोच कर बताऊंगा।
कमरे में आता हूँ तो देखता हूँ पापा जी एज यूजुअल अपनी पोज में, वही सेम पोज में, पर्दे खुले हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, फोन पे लगे हुए हैं, टीवी पे मम्मी की वीडियो चल रही। पापा जी, यस बॉस, ये आपके लिप पे क्या हो गया है? मम्मी ने चाकू मारा। अरे क्या ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हेलो एक्सक्यूज मी मम्मी, ये कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं आप पे? हेलो एक्सक्यूज मी मम्मी, ये पापा आप पे क्या आरोप लगा रहे हैं? आपने पापा के चाकू मार दिए, क्या कह रहे हैं वो? एक्सक्यूज मी, भाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आपके और मम्मी की फिर से कुछ हुआ है क्या? तलवारबाजी हुई है क्या अभी? स्वॉर्ड फाइटिंग, धनुर धनुर फाइटिंग, गदा गदा फाइटिंग, कुछ भी नहीं हुआ? तो मम्मी जी को क्या हो गया? क्यों? मैंने बोला क्या हो गया, पापा कह रहे हैं आपने ऐसे ऐसे कुछ कर दिया उनके। भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं, एकदम ऐसा इग्नोर, ऐसा इग्नोर तो वो करती थी, कोई थी नहीं, ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं। हेलो जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग जी, देखो नाच के दिखा रहा हूँ मैं, गुड मॉर्निंग, उठ गया हूँ, तो डांस परफॉर्मेंस देता हूँ मैं, कहाँ पे रखूँ? हेलो जी, उठ गया हूँ, गुड मॉर्निंग, हेलो जी, उठ गया हूँ, गुड मॉर्निंग, खाने में क्या मिलेगा? आलू और गोभी लग रही है। एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू? अब मेरे से नाराज हो? मैंने कुछ किया है क्या? अरे अभी तो सो के उठ के आया हूँ, मैंने क्या कर दिया नींद में? आजकल पता नहीं चलता है गाइस, नींद में कुछ ऐसा करता तो मम्मी नाराज हो जाती है मेरे से। कुछ किया होगा मैंने, अभी मैं फ्लैशबैक में जाके सोचता हूँ, मैं पक्का सपने में कुछ तो किया होगा शायद। तो गाइस मम्मी यहाँ पर कर रही हैं सारे गिफ्ट्स पैक। ये किसके लिए बना रहे हो मम्मी गिफ्ट रैपिंग? दिवाली के। किसको देने हैं? बहुत लोगों। सबसे पहले अपने बेटे को गिफ्ट दो यार, गिफ्ट दो अपने बेटे को। बेटे को गिफ्ट दो? मेरे लिए क्या गिफ्ट है मम्मी? बेटे को गिफ्ट है मम्मी का प्यार। पर इस वाले बेटे को मत देना मम्मी का प्यार। मुझे भी दे दो गिफ्ट। ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? आज के दिन there's no one talking, only me talking. That also depends if I want to talk or not. कौन है ये? मुझे भी गिफ्ट दे दो। गिफ्ट तो अब तेरी देने की उम्र है। अभी तो आज दिवाली का गिफ्ट तो मम्मी को देना बनता है ना। हाँ जी मम्मी। अब वो नहीं दे रहा तो तू तो दे दे। अरे आप दो मम्मी गिफ्ट मुझे कोई। मैं कर देता हूँ पैक, लाओ दो। तू क्यों नहीं दे रहा मेरे को गिफ्ट? आपको, आप मुझे गिफ्ट दो। आपने अभी कल क्या बोला था? हाँ। अभी कल ही का व्लॉग था शायद जिसमें आप कह रहे थे जब तक तू बच्चा है हमारा बच्चा रहेगा और हमारी कहने पे चलेगा, और आज अब कह रहे तू मुझे गिफ्ट दे। वाह मम्मी, तो बच्चों का फर्ज बनता है ना मम्मी को गिफ्ट देना, मम्मी इतनी मेहनत करती है। मम्मी ये कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? कौन है ये? ये लो गिफ्ट। ये कौन है? उठा लो गिफ्ट मम्मी, इसके इससे बात नहीं करनी आपने। आपको कोई और बच्चा दिखता ही नहीं। हाय, मानता है तू? यस यस यस, मान लिया कि तुम लोग मुझे क्या इग्नोर करोगे, मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ। जा कर इग्नोर।
अभी मुड़ के आ मत आजियो, मुड़ के ना आ जाए, नाराज हो गया मम्मी। नहीं सच में हो जाना है, आप जो वो डायलॉग मर देना प्यार तो तेरे से ही वाला डायलॉग आ जाएगा। जेलस तो नहीं हो रहा? मुझे लग रहा जेलस फील हो रहा, जेलस। दिल तुड़वा के आया पता लग गया होना। ओहो हो, ये कौन है, ये क्यों है, ये क्या हुआ? नाराज है? मुझे किसी से बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? निश्चय रोने लग गया क्या? रो रहा हूँ मैं। मम्मी सुबह से बात नहीं कर रही है? अच्छी बात है। अब मैं भी किसी से बात नहीं करूंगा। गुड, मैं भी ऐसे जीवन जाता हूँ। जिम शिम हो गया है और अब क्या? मम्मी खाने में गया है, रात को वो बना दो ना, पनीर और किनुआ, वो बेस्ट है भाई। फायदा उठा रहा है आज। मेरी तो सुनो। हाँ। वो बेचारा कहाँ है? वो देखो बोरा, ये देखो बोरा। मम्मी किनुआ बना देना ठीक है? तो ज्यादा फायदा मत उठा मेरा, ये मत सोच कि एक को मैं इग्नोर कर रही हूँ तो मम्मी तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। किनुआ बना देना, नहीं तो बात नहीं करूंगा मैं भी। कल मैं इग्नोर करने लग जाऊंगा आपको। कहाँ जा रहे? घर छोड़ के। ओके जा, गो। मैं घर छोड़ रहा हूँ। ऐसे मत कह भाई। तो जा छोड़ दे। मैं जा रहा हूँ घर छोड़। जा, मैं चले रहूंगा। जा, मैं सच में चले। अरे जा ना, मैं सच में चले आऊंगा। अबे जा, मुझे रोकने की कोशिश मत कर। जा, मुझे रोकने की कोशिश मत कर अबू। ओके भाई, कहाँ जा रहा है? मैं बोल रहा हूँ मेरे को रोकने की कोशिश मत कर। अरे मैं रोक ही नहीं रहा। अभिषेक मुझे रोकने की कोशिश मत कर, देख मैं चले जाऊंगा, मेरे को मत रोक अबू। अबू मेरा हाथ मत खींच, मत खींच मेरा हाथ। कौन खींच रहा है? ऐसे मत कर, मैं सच में चले आऊंगा। कुछ भी, मैं सच में चले आऊंगा। है? मैं सच में चले आऊंगा। है? अब तू इतना बोल रहा है तो रहने देता हूँ। मेरा भाई इतना मेरे को इंसिस्ट कर रहा है। मम्मी तो इंसिस्ट कर नहीं रही, भाई कर लेता है। रुक जा, तेरे कहने पे, तेरे कहने पे रुक गया हूँ मैं, वरना मैं तो चाह रहा था। ये ले जा मम्मी को, बहुत बता के आ जा। ये ले मम्मी, मैंने घर छोड़ने का प्लान कैंसिल कर दिया है, अब मैं घर नहीं छोड़ रहा, वरना मैं चले आता। मेरे को अभिषेक ने रोक लिया बहुत ऐसा अपनी दृढ़ संकल्पता से, समझ रहे हो? मेरा हाथ पकड़ पकड़ के खींचा है उसने, मेरे पैर पड़ा है वो, मेरे को इतना रिक्वेस्ट किया है तब जाके मैं रुक गया हूँ, अपने भाई के लिए रुक गया हूँ मैं, वरना जा रहा था मैं। किसी को समझना चाहिए कि कोई कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, और फिर जब कोई ना समझे तो क्या ही करे। आए, पता नहीं क्या बोले मम्मी, बट मम्मी ने बोला है तो सही बोला होगा। मतलब ज़्यादा ही इग्नोरिंग हो गई है, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा सेंसिटिव है, अमी दिल पे बात लगा लेगा तो इसलिए। होय रोम, ये क्या, ये देखना कहाँ बैठा हुआ। मैंने कहा ना, ये क्या हुआ तेरे को? आप मुझसे बात नहीं कर रहे तो मेरा जीवन क्या ही है, यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ पॉट बन के। तो यहाँ क्यों बैठ गया कि ये बता? क्योंकि मेरा जीवन आपके बिना क्या ही है, इस पॉट की तरह बेकार है, तो मैं भी वैसे ही मैं यहाँ पे पॉट बन के बैठा हूँ। ऐसे मत कह यार, मम्मी वीडियो के चक्कर में मेरे साथ इग्नोरिंग ना करो, मुझे माफ कर दो। मेरे को ऐसे मत कर, मैंने कुछ भी करा हो जिंदगी में गलत तो मुझे उसके लिए कुछ नहीं करा, तू इधर आ छोड़, एक्टिंग है। एक्टिंग से याद आया कि हमारा मेरा शो गेमिंग इंसान जो है वो अमेज़न एमएक्स प्लेयर पे सारे एपिसोड स्ट्रीमिंग ऑन 25th ऑफ अक्टूबर, तो जाके जरूर देखिएगा। कर लिया, बहुत इग्नोर कर लिया, बना ली वीडियो। हाँ, तो अगली वीडियो में अब पापा को इग्नोरिंग, पापा का इग्नोरिंग हो गया, अब्बू का, उसका भी हो गया, अब अशर को इग्नोर करना। ओ, उसको नहीं उसको, कर सकते उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो तो है ही इतना क्यूट टू है ना, हर टाइम नानी मामा। तो मतलब मैं क्यूट नहीं हूँ?
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। तुझसे ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं।